हाय, वेलकम बैक। वेल, ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें मैं कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। मैं भी भूटान के लिए प्लान कर रहा हूँ, तो मेरे फ्रेंड्स के मैसेज आने शुरू हो गए। मैंने स्टोरी डाली तो कि गोल्ड लेकर आना वहाँ से ना, मतलब लोगों को है कि भी जा रहा है तो इंडिया में गोल्ड भूटान में गोल्ड 40,000 का मिल रहा है इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे 63-64 के आसपास रेट चल रहा है। तो मतलब कि 20-22 हज़ार का फ़र्क है, तो जा रहा है तो गोल्ड लेकर ही आना। तो अगर उनको कन्फ्यूज़न है तो ये चीज़, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है। मतलब इंस्टाग्राम पे काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स या व्लॉगर्स ना रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिसकी वजह से ये मार्केट में है कि 40,000 में गोल्ड मिल रहा है। प्लान करते हैं और रिज़ल्ट क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, वो हमें डिस्कस करेंगे इसके ऊपर ना। मतलब जो रियल फैक्ट है, मतलब कि ये मैं ये मान के चलता हूँ कि एक तरह से एक स्कैम है भूटान गवर्नमेंट की तरफ से, कि जस्ट टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दी कि यहाँ से आप गोल्ड लेके आ सकते हैं ड्यूटी फ्री। और लोग, मतलब उन्होंने भी कुछ चीज़ें सामने रखी नहीं है, जस्ट मतलब एक बता दिया कि ड्यूटी फ्री गोल्ड मिल रहा है, मगर क्या प्राइस है क्या नहीं है उसको उन्होंने क्लियरली बताया नहीं है। तो उसको हम डीकोड करते हैं। तो उसके लिए हम अपने डेस्कटॉप पे चलते हैं, जहाँ पे आपको स्क्रीन पर विद फैक्ट्स दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब हम स्क्रीन पे चलते हैं, ओके। तो अगर मैं बात करता हूँ तो एक भूटान गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है bhutan.travel/announcement, ठीक है, यहाँ पर 7 मार्च 2023 के एक अनाउंसमेंट है। उसके अकॉर्डिंग या नोटिफिकेशन बोल सकते हैं कि टूरिस्ट बाइंग गोल्ड फ्रॉम द ड्यूटी फ्री शॉप्स इन फोर्ट शिलोंग एंड थिम्पू, ठीक है। तो यहाँ से आप ले सकते हैं, दो लोकेशंस हैं जहाँ पर आपको गोल्ड मिल जाएगा। ऑल टूरिस्ट कैन बाय 20 ग्राम ऑफ गोल्ड, मतलब कि 20 ग्राम गोल्ड ले सकते हैं। यहाँ पर अगर रेट 62-63 के आसपास चल रहा है और भूटान में 40,000 है, तो आप 80,000 का गोल्ड, मतलब आप गोल्ड लेंगे जो इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग लगभग 130 के आसपास पड़ जाएगा। तो 50,000 का एक तरह से हमें बेनिफिट दिख रहा है, ठीक है, इफ़ दे फुलफ़िल। आगे उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स दी हैं, अब हम उन रिक्वायरमेंट्स पे आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि यू हैव टू पे STF, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस है जो अप्रॉक्स 1,200 1,200 रुपये के आसपास पड़ता है, या 1,200 रुपये ही आसपास नहीं, 1,200 रुपये ही है। अब यहाँ पर लोग कन्फ्यूज होते हैं, ओके फाइन, भूटान गवर्नमेंट ने मार्च या अप्रैल 2024 तक इंडियन जो टूरिस्ट हैं उनके लिए ये SDF फीस है फॉर बॉर्डर एरिया, जो फोर्ट शिलोंग है ना उसके लिए उन्होंने देखिए अभी वेव ऑफ किया हुआ है, तो हमें ये नहीं लगेगा। अगर आप सिर्फ विज़िट करने जा रहे हैं उस जगह पर और नाइट स्टे नहीं करेंगे, तो आपको मतलब आपने मॉर्निंग गए और इवनिंग तक वापस आ जाएंगे बॉर्डर एरिया से ही इंडिया, तो आपको ये SDF फीस नहीं पे करना। मगर अगर आप कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं गोल्ड है ना, तो आपको ये फ़ीस पे करनी ही होगी। तो ये मत सोचिए कि आपका वेव ऑफ हो जाएगा, तो आपको ये 1,200 रुपये पे करना ही है। देन सेकेंड वन इज़ यू हैव टू प्रोड्यूस रेसिप्ट फॉर स्पेंडिंग ए मिनिमम ऑफ 1 नाइट इन ए डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म सर्टिफाइड होटल। देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा कि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म सर्टिफाइड होटल, ओके। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है भूटान की, कि आप अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको एटलीस्ट एक रात को स्टे करना ही पड़ेगा। मतलब एक रात स्टे, यानी कि सिंपल सी बात है, अगर उन्होंने वेव ऑफ की बात की भी है तो वेव ऑफ किसके लिए है, अगर आप इवनिंग को ही वापस ले जाएं, मतलब आप रात को नहीं रुकेंगे। रात को रुकना मीन्स आपको SDF फी पे करना ही है, ठीक है। उसमें तो वेव ऑफ की कंडीशन है ही नहीं, और यहाँ पे भी वही आ गया कि आपको एक SDF फीस 1,200 की फ़ीस पे करनी है। देन 1 नाइट स्टे, वो भी जो गवर्नमेंट ने ऑथराइज किए हैं या गवर्नमेंट ने सर्टिफाइड किए हैं। अगर आप उनकी लिस्ट निकालोगे तो वो होटल्स का प्राइस 2,000 से लेके मिनिमम 2,000 या 2,500 के आसपास ही है। मतलब आप 2,500-2,500 रुपये आप पे करोगे ही करोगे, मतलब आप किसी भी जगह पर नहीं रुक सकते हो। आपको वो रेसिप्ट दिखानी पड़ेगी कि मैं उस होटल में ही रुकाऊँ जो गवर्नमेंट ने सर्टिफाइड किए हैं, ठीक है। तो ये सेकंड कंडीशन, तो यानी कि आपने 1,200 रुपये पहले दिए, देन आपने अगर मैं
2000 भी मान के चलता हूँ तो लगभग आपका हो गया 3200 रुपये। देन थर्ड कंडीशन क्या है कि यू हैव टू पे इन USD, मीन्स आप वहाँ पे भूटान की करेंसी या आप अपने क्या बोलते हैं इंडियन रुपीज़ में पे नहीं कर सकते गोल्ड ख़रीदने के लिए, उसके लिए आपको USD में ही पे करना है। तो USD में पे करना है, चलो हम ये मान के चलते हैं लोग कि फ़ाइन हमने यहाँ पे मतलब लाइक थोड़ा सा एक्सचेंज चार्जेस होंगे, है ना, जो आप कन्वर्जन रेट बोल सकते हो 200-300 या 500 रुपये मैक्सिमम, तो ये मैनेजेबल हो सकता है ना, थोड़ा सा हमें एग्जैक्ट रेट नहीं मिलता क्योंकि। तो अगर मैं इसको 500 लेके चलता हूँ तो हम ये मान के चल रहे हैं लाइक 3200 पहले से था, 500 एक्स्ट्रा ऑर्डर ऐड कर रहे हैं तो हमारा 3700 हो गया। अगर आप इसको नहीं भी काउंट करोगे तब भी 3200 भी लेके चलोगे तब भी आपका फैक्ट मैं बताता हूँ। चलो हमें अभी वेव ऑफ सॉरी ये 7,500 रुपीज़ में काउंट नहीं कर रहा हूँ, 3200। देन नेक्स्ट वन इज़ कि आपको अब कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए कि जो आपने गोल्ड ख़रीदना है उसके लिए इन्होंने आपको दो लोकेशंस मेंशन किए हैं, है ना, लाइक दो लोकेशन से ही आप गोल्ड ले सकते हैं, अदरवाइज आप कहीं से भी गोल्ड नहीं ले सकते हैं। तो अगर मैं लोकेशंस की बात करता हूँ तो हमारी जो आती है फोस्टी लॉन्ग में एक लोकेशन है और एक थिम्पू में, ठीक है, उन लोकेशन से गोल्ड लेंगे तभी आपको वो ड्यूटी फ्री रहेगा, अदरवाइज़ वो नहीं रहेगा, मीन्स आपको USD में पे करना है और वहाँ पे लेना। तो हम ये मांगे जाते हैं कि चलो चल जाएगा ये भी, हमें सिर्फ 3200 का ही खर्चा है, एक रात स्टे करेंगे। अब एडिशनल क्या खर्चा पड़ा कि हम वहाँ पे जो खाएंगे पिएंगे लाइक आप एक दिन पूरा रुकेंगे, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका 500 रुपीज़ खाने में खर्च हुआ, तो ये आपका लगभग 4000 के आसपास मैं लेके जा रहा हूँ, ठीक है। और फिर आप इंडिया के किसी और लोकेशन से लाइक दिल्ली मुंबई या कहीं से भी आ रहे हैं और मिनिमम से मिनिमम आप अगर ट्रेन से भी आएंगे जो आपका कम से कम फेयर लेगा तो आना जाना कम से कम आपको 600-700 रुपये का पड़ेगा ही पड़ेगा, मतलब रिटर्न भी करेंगे तो आपका 4000 पहले हो गया, तो 600-700 रुपये मतलब कि 4500 के आसपास मैं लेके चल रहा हूँ, कम से कम प्राइस ले रहा हूँ मैं, 4500 रुपये आपने खर्च किए भूटान तक जाने का और वहाँ से वापस आने का, वो प्लस ये जो चार्जेस हैं। अब लोग सोचते हैं मतलब कि जो अभी तक मार्केट में हम लेके चलते हैं जो बाकी इन्फ्लुएंसर बताते हैं, है ना, कि 80,000 का गोल्ड तो आपका 4-4.5 खर्च हो भी रहा है और आप 130,000 का गोल्ड लेके आ रहे हैं वहाँ से, तब भी हमारे पास 45,000 के आसपास बच रहा है ना। तो अब यहाँ पे कैच है, कैच क्या है, अब गवर्नमेंट ने नीचे एक लिंक दिया हुआ है, इसको कोई भी नहीं बताता है ना, हर जगह पे ये चीज़ स्किप की जा रही है। अब उस लिंक पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे मेंशन किया होगा जो जो लोकेशंस के बाद है, है ना, जैसे कि क्लिक हेयर टू सी द गोल्ड प्राइस। अब यहाँ पे अगर आप गोल्ड प्राइस चेक करते हैं, है ना, कि अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो वहाँ पे गोल्ड प्राइस जो मेंशन होगा, ठीक है, उसका क्या रहेगा, यहाँ पे जो प्राइस ये रिवील कर रहे हैं गोल्ड का कि लाइक 20 ग्राम गोल्ड आपका 1402 USD में, ये USD में है, ठीक है, यह ध्यान रखिए 1402 20 ग्राम गोल्ड आपको मिलेगा, है ना, और कन्वर्जन चार्जेस हम इसमें काउंट नहीं कर रहे हैं, जैसे आपने USD में ही पे करना है और अदरवाइज़ कोई और करेंसी वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब हम चलते हैं अपने गूगल पे जहाँ पे हम चेक करते हैं कि अभी कन्वर्जन रेट मतलब कि क्या मिल रहा है अगर हम 1402 रुपीज़ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैंने अगर डाला लाइक 1402 जो अप्रोक्स इंडियन करेंसी में 116,784 रुपये, मतलब कि अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो 117,000, मतलब 117,000 रुपये आप पे कर रहे हैं 20 ग्राम्स गोल्ड के लिए, ठीक है। और इंडियन करेंसी में जो गोल्ड रेट चल रहा है उसे भी चेक कर लेते हैं अभी। ओके, इंडियन में है जस्ट गोल्ड प्राइस इन इंडिया, जो आपका चल रहा है यहाँ पर 64,355 का गोल्ड आप मतलब लाइक पे कर रहे हैं, ठीक है, 64 जो आपका अप्रॉक्स पड़ा, मतलब 117,000 का गोल्ड आपने ख़रीदा और इंडिया में 64 का रेट चल रहा है, तो अब प्लस हमने जो 4000 का खर्चा एक्स्ट्रा जो हम पे कर रहे हैं लाइक SDF में या होटल में स्टे का, है ना, प्लस आना जाना खाना पीना जो भी हमारा रहेगा उसको मिलाकर ये आपका लगभग 121,000 आपने दिया, मतलब कि एक तरह से आपका ये एक्सपेंस आ रहा है
वहाँ पर भूटान में जाकर गोल्ड लाने का, और आप जो इंडिया में गोल्ड ले रहे हैं वो आपका रहेगा 1,28,000, मतलब 22 और 28। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपको सिर्फ डिफरेंस की बात करें तो लगभग 6,000 के आसपास डिफरेंस पड़ रहा है, मतलब कि जो 20,000 का डिफरेंस की जगह पे सिर्फ 6,000 का फ़र्क है, वो भी मिनिमम से मिनिमम एक्सपेंस को अगर मैं लेके गया हूँ, अगर हमें अपने एक्सपेंस को बढ़ाते हैं तो वो भी आपका पड़ जाएगा। तो आप खुद सोचिए कि ये स्पेशली भूटान जाकर गोल्ड लाना एक वाइज डिसीज़न है या नहीं है। ओके, तो होप सो आपको ये जो ब्रेकडाउन है वो क्लियर हो गया होगा। तो लाइक समझिए कि आप क्या चीज़ खरीद रहे हैं, और टैग कीजिए और अपने दोस्तों को या उनको फॉरवर्ड कीजिए इस मैसेज को कि भाई इस भ्रम में ना रहें कि जो स्पेशली प्लान कर रहे हैं। हाँ, अगर आप भूटान गए ही हैं घूमने, मतलब आपने जाना ही है, देन आप वहाँ से गोल्ड ला सकते हैं, फिर आपको लगेगा कि ठीक है कोई बात नहीं, 3-4 हज़ार का जो फ़र्क लगेगा वो जेन्युइन है, मगर स्पेशली जाना वो आई डोंट थिंक सो कि एक वाइज डिसीज़न है। टिल देन टेक केयर, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। बाय बाय।